नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है रंजय कुमार, मैं एक एक्टर और ऑथर हूँ। दोस्तों अभी एक महीने पहले मैंने एक फ्लैट बुक किया था और मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है उस फ्लैट को लेने में। मैंने क्यों वो फ्लैट ले लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी महंगाई में मैंने फ्लैट ले लिया। दोस्तों ये जो बातें हैं जो हम काम कर लेने के बाद जो बातें करते हैं कि मैंने ऐसा काम कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ये काम, या मुझे उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था, मैं उस रास्ते से गया इसके लिए एक्सीडेंट होगा, अगर मैं उस रास्ते से नहीं जाता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता था, मुझे कंप्यूटर करना था, मैंने इंजीनियरिंग क्यों कर लिया। दोस्तों हम अक्सर सुनते हैं लोग काम कर लेने के बाद कहते हैं कि अरे यार मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था, मैंने वो क्यों कर लिया यार, मैं घाटे में रहा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको वो काम नहीं करना चाहिए था तो आपने क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। जब आप कहते हैं ना अरे मुझे इतना ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए था, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा पेट दुख रहा है, क्यों, फिर आपने खाया क्यों था, इट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो डिसीजन था उस समय का वो गलत था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई भी काम जब भी हम करते हैं तो हम बहुत अच्छे से सोच समझ के करते हैं, और उस समय के लिए जो सही होता है हम वही काम करते हैं हमेशा, हर वक्त हर पल जो सही होता है, जो उचित होता है उस समय के लिए हमारे लिए, हम वही काम हमेशा करते हैं। तो इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि मैंने ऐसा काम किया था मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं, उस समय में आपको वो काम करना था इसीलिए आपने वो काम किया था। अब आपको उस काम के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला या आपने जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा नहीं हुआ तो आप दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता दोस्तों, कोई भी नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुंबई में हूं, अगर भूकंप आ गया क्या करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है, कल मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा किसी को कुछ पता नहीं है, और आपको भी पता नहीं है दोस्तों एक घंटे के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। हम प्लानिंग करते हैं और उस समय के हिसाब से अपने परिस्थिति को देखते हुए हम प्लानिंग करते हैं, और जो बेस्ट होता है हम वही करते हैं, हमेशा वही करते हैं, लेकिन बाद में हम अपने कर्मों पे ही पछताते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों काम कर लिया, मैंने वैसा क्यों किया था। आपने जो किया था वो उचित किया था, उस समय के लिए जो बेस्ट था, जो बेस्ट पॉसिबल था वही आपने किया था। इसलिए पछताना छोड़ दें और आगे की ओर कदम बढ़ाएं और कुछ अलग कुछ नया करने की कोशिश करें और सोच समझ के करें, क्योंकि दोस्तों एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया है आप समझिए कि वो आपके लाइफ पे इफेक्ट करने वाला है। इसलिए बिल्कुल ही सोच समझ कर डिसीजन लें, और जैसे हम डिसीजन लेते हैं आप याद रखिए हमेशा कहीं भी किसी भी समय किसी भी मोड़ पर हर एक काम के लिए हम उचित डिसीजन लेते हैं, इसलिए बाद में फ्यूचर में आप उस बात को लेकर पछताए नहीं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।